Hi guys, and welcome to the 19th lecture of OpenCV with Python 0-1 series, that is edge detection. So before proceeding on, I would like to tell कि हम लोग इस वीडियो में कवर क्या करने वाले हैं. हम लोग सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स कवर करेंगे इसमें. आई विल नॉट टीच कोडिंग इन दिस वीडियो. इसका जितना भी कोड है अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है. एंड बिफोर दैट इसका एक भी मिनट स्किप नहीं करना है, ठीक है. आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो अगर ज्यादा आपको स्लो लग रहा है, बट एक भी मिनट स्किप नहीं करना है. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि एज डिटेक्शन होता क्या है. एक हाई पास फिल्टरिंग ऑपरेशन, इतना तो हमें पता है, ठीक है. बट हाउ वी वुड एक्सप्लेन इन कंपनी व्हेन द कंपनी आस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. एज डिटेक्शन और एज डिटेक्शन की एल्गोरिथम्स. द प्रोसेस ऑफ एज डिटेक्शन इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग शार्प एजेस. शार्प एजेस मतलब जहां पर इंटेंसिटी चेंज हो रहा है. एक कंप्यूटर विजन इंजीनियर के रूप में आपको यह चीज पता होना चाहिए, शार्प एज वो नहीं है जहां पर कलर चेंज हो रहा है, बल्कि जहां पर इंटेंसिटी ऑफ ए पिक्सल इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, ठीक है. ये ऐसा मत बोलना कलर्स वहां पर चेंज हो रहे हैं, ठीक है. उसका थ्योरेटिकल मतलब बताओ, इंटेंसिटी इज चेंजिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ बाइनरी इमेज एज एन आउटपुट. बाइनरी इमेज, ठीक है. चलो अभी इस इमेज में देखते क्या है. We draw white lines on a black background. जैसे ये मेरी अभी आप देख रहे हो, मेरा इमेज देख रहे हो. अभी आपको इसमें अगर मैं पेंसिल स्केच बना के दिखाऊं तो कुछ वैसा सा होता है. पेंसिल स्केच इन्वर्टेड, white lines on a black background. ठीक है, उसे हम बोलते हैं बाइनरी इमेज, white and black. And इस इमेज को बनाना फ्रॉम ए रेगुलर इमेज इज नोन एज द एज डिटेक्शन, ठीक है. अभी थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं. अभी क्या है, एक इमेज ले लो, उसकी जो इंटेंसिटी है, मान लो दिस इज द इंटेंसिटी प्लॉट एंड दिस इज द पिक्सल्स. इंटेंसिटी आप देख रहे हो ना, एकदम से चेंज हुई ये इंटेंसिटी. मान लो ये ऊपर नीचे कहीं भी चल रही है, यहां पर इंटेंसिटी एकदम से चेंज हुई, तो ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, कि एज चेंज, एज डिटेक्ट कर रहा है. यहां पर आप मेरा देख रहे हो, येलो से मैं आया एकदम से ब्लैक में, तो पिक्सल्स की वैल्यू तो चेंज हुई होगी किसी चैनल में, यानी ये पॉइंट रीच हुआ होगा. तो इस पॉइंट को रीच होने को, यानी ये जो पिक्सल है ये किस चीज को बता रहा है, ये एक एज है, ठीक है. अब मान लो अगर मुझे एज डिटेक्ट करनी है, मैं क्या करूंगा, इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा कि भाई पिक्सल की वैल्यू एकदम से चेंज हो गई तो वो एज पिक्सल है, ठीक है. ये एक बहुत ही नेव अप्रोच है कि इफ एल्स कंडीशन मैंने लगा दी. अब मान लो ये पिक्सल की इंटेंसिटी यहां नहीं, इस पोजीशन पे चेंज हो रही होती, तो इफ एल्स कंडीशन फेल हो जाती है, नहीं हो जाती. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी कि हम लोग इसे कैसे जज कर सकते हैं एज डिटेक्शन. सेकंड इमेज शोज द डेरिवेटिव ऑफ द इमेज फंक्शन. ये हमारे पास इमेज फंक्शन था, इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया. डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है. एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, तो जहां पर ये वैल्यू एकदम से चेंज हो रही है वहां पर उस डिफरेंशिएशन फंक्शन का क्या आ जाएगा, पीक आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है. तो इस मैक्सिमा को हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहां पर इंटेंसिटी चेंज हो रही है. इट इज अ गुड वे टू एक्सप्रेस चेंजेस, ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ एन इमेज इज ए गुड वे टू एक्सप्रेस द चेंजेस. समझ गए ना, डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है. अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चलेंगे. अब हम लोग क्या कंक्लूड करें, अ हाई चेंज इन ग्रेडियंट इंडिकेट्स अ मेजर चेंज इन इमेज इंटेंसिटी, दैट इज एजेस. जहां पर एज होगा वहां पर इंटेंसिटी चेंज होगा, जहां पर इंटेंसिटी चेंज होगा वहां पर क्या होगा, एक हाई चेंज आएगा ग्रेडियंट में, ठीक है. वो एकदम से ऊपर जाके नीचे आएगा, समझ गए ना. हाई चेंज इन ग्रेडियंट वो क्या करता है, इंटेंसिटी दिखाता है. अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एज डिटेक्शन वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. फर्स्ट इज सोबल एज फिल्टर्स, दैट इज सोबल एक्स एंड सोबल वाई. सेकंड इज शार एज फिल्टर्स एंड थर्ड इज लैपलेसियन फिल्टर्स. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना. हम लोग इसमें ये स्टडी करने हैं, आगे प्रिविट भी होता है और बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, बट हम लोग मेन यही स्टडी करेंगे. चलो सोबल फिल्टर देखते हैं. सोबल ऑपरेटर, सोबल ऑपरेटर क्या है, वो एक कर्नल है, ठीक है. Computes an approximation of the gradient of an image intensity function. Image intensity function अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ऐसे इमेज की पिक्सल वैल्यूज मैंने प्लॉट कर दी, उसके जो इधर पिक्सल्स रखे ऊपर इंटेंसिटी रखा, उसका मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया, तो वही चीज सोबल ऑपरेटर करता है. लेकिन सोबल ऑपरेटर तेज करने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन निकाल देता है कि हाँ भाई मेरे को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दो कि कितना डिफरेंशिएशन होगा इसका. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने आपको बता ही दिया कि dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब ये 3x3 के एग्जांपल कर्नल्स हैं सोबल के. सोबल एक्स फिल्टर मतलब ये एक्स डायरेक्शन में लगता है, सोबल वाई फिल्टर मतलब ये वाई डायरेक्शन में लगता है. अब आप पूछोगे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन क्या, मान लो एक्स डायरेक्शन वाले फिल्टर में इधर से लाइट पड़ेगी तो कौन सी एजेस दिखेंगी, और वाई फिल्टर में ऊपर से लाइट पड़ेगी तो कौन सी, आप ये देख रहे हो ना, ये जो वैल्यूज बन रही हैं ये ऐसे फिल्टर करती हैं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन से लाइट निकलेगी तो कैसी एजेस बनेंगी, ठीक है. अभी हम देखते हैं इसके एग्जांपल. इनपुट इमेज ये थी मेरी वाइट,
पीछे कैनवास है उस पर ब्लैक कलर के कुछ मैंने अपने फिगर्स बना रखे हैं। सोबल एक्स, मैंने एक्स डायरेक्शन में लाइट डाली, ये देखो जितनी भी इमेजेस, जितनी भी जो एजेस एक्स डायरेक्शन में उसे मिल रही थी सारी की सारी उसने एजेस निकाल दी। और फिर सोबल मैंने वाई फिल्टर लगाया तो ऊपर से नीचे तक के लिए जितनी एजेस मिल रही थी ये देखो कितनी साफ साफ दिख रही है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या आता है, पहली बात अगर मेरे को टोटल एजेस चाहिए तो मुझे इन दोनों इमेज को आधा आधा जोड़ना होगा। जोड़ते कैसे हैं, एडवेटेड फंक्शन से। अगर नहीं देखा हो तो फिर पिछली वीडियोस में देखो, लिंक है नीचे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। सोबल एक्स और सोबल वाई एडवेटेड फंक्शन से हम लोग हाफ हाफ दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एजेस आ जाएंगी, मान लिया। दूसरा क्या है हमारे पास, इसका जो पॉइंट है, हम लोग क्यों लैप्लेसियन पर जा रहे हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, दैट इज जब मेरी इमेज में नॉइज होती है, आपको पता है इमेज में नॉइज होती है, अगर नहीं देखा हो वीडियो पिछली वीडियोस देखो कैसे नॉइज को करेक्ट करते हैं। नॉइज होती है तो ये क्या करता है, अभी तो यहां पर कोई नॉइज नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, लेकिन जब कलर्ड इमेज होती है तो ये बहुत धुंधली सी एजेस देता है, मतलब एजेस को बहुत बहुत मोटा बना देता है, इसे पता ही नहीं चलता है कि भाई कौन सा पिक्सल एज है, कौन सा पिक्सल अंदर का है, सब पिक्सल्स इतने मोटे मोटे एजेस बना देता है, तो वो चीज क्या है, नॉट एक्यूरेट रिजल्ट्स, एक्यूरेट नहीं है वो रिजल्ट्स। एक एज क्या होती है, बिल्कुल पतली सी चीज, ठीक है। अभी इसका फटाफट से ओपन सीवी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सिंपल सीवी टू डॉट सोबल एक फंक्शन होता है, उसमें हम पास कर देते हैं अपनी सोर्स मैट, डेस्टिनेशन से हमें मतलब नहीं होता। डेप्थ मैंने आपको बताया था -1, dx मतलब अगर आपको x डायरेक्शन में डेरिवेटिव चाहिए तो dx को 1 कर दो, dy को 0 कर दो, y डायरेक्शन में डेरिवेटिव चाहिए तो dy को 1 कर दो, dx को 0 कर दो, समझ गए ना ये सारी चीजें। चलो भाई लाइव कोडिंग भी इसकी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कैनियस डिटेक्शन पढ़ाऊंगा। शार फिल्टर, सोबल फिल्टर से थोड़ा सा अलग होता है शार फिल्टर। शार फिल्टर क्या होता है, वो जो वैल्यूज होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और सोबल से थोड़ा सा एनरिच्ड आउटपुट होता है। मतलब शार फिल्टर का जो आउटपुट होता है, जैसे सोबल के आउटपुट में थोड़ी इंप्योरिटीज आ जाती हैं, लेकिन शार फिल्टर के आउटपुट में उस इंप्योरिटीज को और भी ज्यादा क्लियर कर देता है। शार ऑपरेटर इज बेटर बिलीव टू गिव बेटर रिजल्ट्स, एंड ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होता है। आप देखो सिमिलर फिल्टर्स हैं, सिमिलर इसके रिजल्ट्स आते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा बेटर ही होता है सोबल से। ऑलराइट, अभी चलते हैं OpenCV इंप्लीमेंटेशन ऑफ शार फिल्टर। OpenCV इंप्लीमेंटेशन ऑफ शार फिल्टर एज इट इज बिल्कुल डिट्टो सेम है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी चलते हैं चेंजेस एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। गाइस इसे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम कंज्यूमिंग अप माय हॉलीडेज जस्ट टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और या फिर मतलब लाइक कुछ भी करो बट सब्सक्राइब करो यार, कराओ अपने दोस्तों को, शेयर करो, ठीक है। इतना यार ऐसे मत रिलेक्टेंटली मत देखो वीडियोस को। चेंजेस एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये मेरा इंटेंसिटी फंक्शन था, इसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा तो मेरे को पीक्स मिल गई, उन पीक्स से मैंने जज करके भाई अपनी एज वाला मैप बना दिया कि यहां यहां पर एजेस हैं। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई ये मैक्सिमा बार बार निकालना मेरे को राज नहीं आ रहा, मेरे को और इजी फंक्शन दे दो। इसलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव को भी डेरिवेटिव कर देना, उसे डिफरेंशिएट कर देना, वो क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जहां जहां पर ये लूप, जहां जहां पर ये फंक्शन जीरो को अप्रोच करेगा, वहां वहां पर हमें पता चल जाएगा कि इसका मैक्सिमा आ रहा है और इसका मैक्सिमा आ रहा है, यानी इसका जीरो के अप्रोच कर रहा है। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी यूज टू डिटेक्ट एजेस मोर एफिशिएंटली देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सिंस इमेजेस आर 2D, टू डायमेंशनल इमेजेस होती हैं, तो क्या होता है उसमें जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मोर एफिशिएंटली वर्क करता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे हमारा डिपेंडेंट कौन सा फंक्शन आ गया, लैप्लेसियन। लैप्लेसियन से जो ऑपरेटर लगाएंगे हम इमेज पर, उससे जो इमेज मिलेगी दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो हमारी अच्छी एजेस देगा। अभी इसके रिजल्ट्स देखेंगे। लैप्लेसियन ऑर्डर इज डेरिवेटिव ऑपरेटर विच इज यूज टू फाइंड एजेस इन एन इमेज, ठीक है। मेजर डिफरेंट बिटवीन लैप्लेसियन एंड अदर ऑपरेटर, दूसरे ऑपरेटर प्रेवेट होता है, सोबल होता है, रॉबिन्सन होता है, क्रिश-कर्श होता है, तो ये सारे ऑपरेटर आपको देखने पढ़ने में मिल जाएंगे। मैंने जैसा समझाया है आपको मैथमेटिक्स मैंने समझा दिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करता है, सेकंड ऑर्डर कैसे, इसमें ऑर्डर कैसे डिपेंड करता है एज निकालने से, डेरिवेटिव निकालने से कैसे उसकी एज निकल जाती है, समझ गए ना, ये होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों को इसने एड अप कर दिया है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया वाई डायरेक्शन में। ऑलराइट, अभी लैप्लेसियन के एक बार रिजल्ट देखते हैं। ये देखो कितना बढ़िया और कितना फाइन रिजल्ट आया है, जो उसमें आपका टूटा टूटा
रिजल्ट आ रहा था ना, इसमें देखो कितना फाइन बिल्कुल चमकता हुआ रिजल्ट आया है, दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल आउटलाइंस इसने कवर कर दिए हैं। दैट इज द यूज ऑफ लैप्लेसियन। ये देखो कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। अभी लैप्लेसियन का एक बार देख लेते हैं ओपन सीवी इंप्लीमेंटेशन। cv2.laplacian बिल्कुल सिमिलर, बस dx डिवाइस में से हट जाते हैं। सोर्स ग्रे हमारी इनपुट इमेज, डेस्टिनेशन हमारी डेस्टिनेशन इमेज जो कि हम यूजुअली देते नहीं है, डेप्थ -1 रख लेते हैं कि जो इमेज दे रहे हो उसी की रखो डेप्थ। कर्नल साइज, कर्नल साइज और सोवल ऑपरेटर में हम लोग डाल सकते हैं 3, 5, 7 डाल दो, 7 से ऊपर वगैरह नहीं पड़ते हैं ज्यादातर, 3, 5, 7 डाल दो। 3, 5, और 7 कर्नल्स जो होते हैं बहुत ही सही कर्नल लगते हैं। सोवल अपने लैप्लेसियन अपने आप से ही उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है। अब आप कहोगे कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए तो हमें ये थोड़ी सी नेक्स्ट ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि भाई इमेज को निकालो उसके डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, बट यही फायदा है कॉन्वोल्यूशन का। कॉन्वोल्यूशन में एक ऐसा कर्नल बनता है जो कि ये डेरिवेटिव अपने आप ही एक ही बार कॉन्वोल्यूशन से निकाल देता है। यही चीज है कॉन्वोल्यूशन का फायदा। कॉन्वोल्यूशन नहीं पढ़े वो भी पिछली वीडियो में है, पिछली कुछ वीडियो टाइटल ही होगा कॉन्वोल्यूशन उसका, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं कि जो याला भी हमने देखा लैप्लेसियन, ठीक है, इसका हमने आउटपुट देख लिया। लेकिन अभी देखो एक एज डिटेक्शन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। ये एक एप्पल की इमेज है, इसमें आप देख रहे हो जो एजेस हैं वो इतनी फाइन नहीं है, मतलब रेड से येलो चेंज हो रहा है, येलो से ग्रीन चेंज हो रहा है, ये एजेस यहां पर तो फाइन है। अब ये देखो इसका ये कौन सा आउटपुट है, ये है लैप्लेसियन का आउटपुट। आप लैप्लेसियन का आउटपुट देख लो कितना धुंधला धुंधला सा आ रहा है, मोटी मोटी सी एजेस आ रही है, नीचे अंदर भी वो एजेस दे दे रहा है, अंदर यहां पर भी वो एजेस दे दे रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई सेब केला, ये फिर हरा सेब, सेब केला, ये सब मेरे को अलग चाहिए। यहां पर देखो कितना फाइन और कितना अच्छा रनिंग आउटपुट आया है, मतलब सिंगल लाइन से सब चीजों को डिफरेंशिएट कर दिया है। तो ये है हमारा कैनी एज डिटेक्शन। कैनी एज डिटेक्शन में टोटल 4-5 स्टेप्स होते हैं जिसमें आपका नॉन मैक्स सप्रेशन भी आ जाता है, स्मूथनिंग ऑफ इमेजेस भी आ जाती है, तभी मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो इज अबाउट कैनी एज डिटेक्शन एंड कोडिंग ऑल द थिंग्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, और साथ में कैनी एज डिटेक्शन भी मैं बिल्कुल बेस से समझाऊंगा। बहुत तगड़ा मैथ उसमें लगा हुआ है, सारा मैथ्स मैं कवर करूंगा, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देना, थोड़ा सा टाइम निकाल देना। चलो गाइस, थैंक यू। कोई भी डाउट्स हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सेंड करो मैसेज मेरे को, आई विल क्लियर इट आउट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।